फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर रखा हुआ है जो कि 3 kV का है। तो आज हम इस स्टेबिलाईजर को चेक करेंगे, देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। आज का हमारा वीडियो कुछ अलग हटकर है, थोड़ा खास है और आपके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने हमारे वीडियोज में देखा होगा कि किस तरीके से हम माइक्रो कंट्रोलर किट इंस्टॉल करते हैं या फिर वोल्टेज स्टेबिलाईजर रिपेयर करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर वाले जो पहले के सर्किट हुआ करते थे वो रिपेयर किए हैं। बट आज की वीडियो में हम आपको माइक्रो कंट्रोलर सर्किट रिपेयर करना बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस स्टेबिलाईजर में माइक्रो कंट्रोलर किट यूज की हुई है। तो आज की वीडियो में हम इस माइक्रो कंट्रोलर को रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे पहले इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, उसके बाद अगर इसमें फॉल्ट है तो इसे रिपेयर करें। रिटेलर्स और डीलर भाइयों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव ऐप जिसका नाम है लॉक द डील। यह है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का अमेजोन। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पाएं अपनी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर्स, बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। ऑर्डर करें और सामान आपके दरवाजे तक, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। इस ऐप पर आप अपना मनचाहा दाम पा सकते हैं। इनका एक अनोखा फीचर है जो आपको देगा लाखों का फायदा। आप बस किसी भी प्रोडक्ट पर जाएं, बल्क ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करें और क्वांटिटी चुनें। अब ये एक्सपेक्टेड प्राइस पर अपना मनचाहा प्राइस लिखकर एंटर कर दीजिए। ऐसे आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। लॉक द डील आपको प्रोडक्ट पर बेस्ट ऑफर की जानकारी देंगे सिर्फ 24 घंटे में। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर ये रहा स्क्रीन पर 9319098038। खोलिए आप अपनी दुकान लॉक द डील से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कीजिए। करेंगे तो चलिए पहले हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। और देखिए, हमने एक मीटर इसमें आउटपुट पर लगा रखा है क्योंकि इसका मीटर खराब है। आउटपुट का मीटर इसलिए लगा रखा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, मेन लाइन से हमने कनेक्ट किया इसे। बट इसमें देखिए सीरीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, यानी बल्ब इसका बहुत ज़्यादा चल रहा है सीरीज का, और ये आउटपुट भी अभी नहीं निकल रहा है। अब इसे हम पहले ऑफ करते हैं और उसके बाद में टाइमर का सिस्टम ख़त्म करके आउटपुट डायरेक्ट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। अदरवाइज ऐसे टाइमर ऑफ रहेगा, टाइमर ऑन नहीं हो पाएगा, तो उसमें हम आउटपुट चेक करने में दिक्कत आएगी। तो अब ये हम ये पॉइंट डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट इस वाले मीटर में मालूम पड़ती है और इस किट को रिपेयर करने में आसानी रहे। तो चलिए पहले हम इसकी आउटपुट डायरेक्ट करते हैं, उसके बाद इसे चेक करते हैं। इसका पॉइंट तो हमने डायरेक्ट कर लिया है, अब इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और उसके बाद देखिए आउटपुट भी कम आ रही है। अब इसे हम मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे, बैजेक पे लगाएंगे इसे, और इसे बैजेक को हम बिल्कुल 0 पर कर लेंगे और इसे ऑन करके धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एकदम वोल्टेज पूरे नहीं दे देने, धीरे धीरे स्टार्ट करना है 0 से। तो ये देखिए इसके आउटपुट वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, देखिए 250 वोल्ट पर इसे कट होना चाहिए बट ये कट नहीं कर रहा है, ये हाई वोल्टेज दे रहा है। इसे इतने पर कट कर लेना चाहिए 250 वोल्ट पर, बट ये हाई वोल्टेज दे रहा है और इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। तो पहले हम इसे मेन लाइन से डिस्कनेक्ट करेंगे, ऑफ करेंगे, और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे अंदर की साइड से। देखिए इसमें ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आपको शायद सही से दिखाई पड़ रहा होगा, ये तो ये कैपेसिटर इसका काफ़ी फूला हुआ है और काफ़ी हीट मालूम पड़ रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर भी ये स्टेबिलाईजर लगा हुआ होगा वहाँ पर इनपुट में हाई वोल्टेज आए होंगे किसी समय, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर भी हाई वोल्टेज की वजह से फूल गया है, यानी कैपेसिटर ये खराब है। अच्छा, पहले हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि रिपेयर का पहला सिद्धांत यही है कि अगर आपको सामने कोई चीज़ खराब दिख रही है तो पहले आप उसे चेंज कर दो। और कैपेसिटर वगैरह ऐसी चीज़ है, ये फूल जाते हैं तो खराब ही हो जाते हैं, इसे हमें चेंज करना चाहिए। उसके बाद हम इसे चेक करते हैं कि आगे क्या पोजिशन रहती है, तो पहले हमें इसे चेंज करना होगा। इसे निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू भी आपको बताएंगे कितनी वैल्यू का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसे हम निकालेंगे। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर लो, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें मालूम पड़ता है अगर आप वीडियो लाइक करते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू है 470 mFd 63 volt। तो हम 470 mFd 63 volt का दूसरा कैपेसिटर इसमें लगा देंगे इसकी जगह पर। ये हमने दूसरा कैपेसिटर लिया है 470 mFd 63 volt का, सेम वैल्यू का। अच्छा, कैपेसिटर लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका प्लस और माइनस
सही होना चाहिए, अगर उल्टा हुआ तो फिर कैपेसिटर हमारा फट जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए इसे यूज़ करना है, लगाना है बहुत अच्छे से, सोल्डिंग बहुत अच्छी करेंगे। ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव देखकर हम इसे लगा रहे हैं। ये देखिए कैपेसिटर तो हमने इसमें लगा लिया है, अब हम इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसे आती है। तो इसे मेन लाइन से ऑन करेंगे, उसके बाद इसे चेक करते हैं। दोस्तों हमने इसे ऑन किया, अब फिर हम वोल्टेज जीरो से ही आगे बढ़ाएंगे, ये हम थोड़ा थोड़ा करके वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए आपको एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, इससे पहले जब हम इसे ऑन कर रहे थे तो बहुत बुरी आवाज़ कर रहा था, रिले आवाज़ कर रही थी काफ़ी खड़खड़ टाइप की, वो देखिए आवाज़ बिल्कुल खत्म हो गई। अभी देखिए इसका फंक्शन भी बिल्कुल स्मूथ आ रहे हैं, ये देखिए रिले किसी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं कर रही है, और जो इसके फंक्शंस हो रहे हैं बहुत अच्छे फंक्शन आ रहे हैं। और इससे पहले जो कैपेसिटर हमारा फटा हुआ था, कैपेसिटर ख़राब था, तो उसकी आवाज़ से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसमें कैपेसिटर ही ख़राब है, बट मैंने आपको बताने के लिए, क्योंकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते हुए, बट आप लोगों को बताने के लिए मैंने स्टार्टिंग से इस चीज़ को समझाया कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी कितना असर डालती हैं। इससे देखिए फंक्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक माइक्रो कंट्रोलर किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं आते हैं आमतौर पर, कुछ एक चीज़ें ही होती हैं जो ख़राब होती हैं, और कैपेसिटर वगैरह तो सामने दिखाई पड़ जाते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।